गाइस फाइनली नाथुला पास हम पहुंच चुके हैं जो कि 14,000 फीट पे है। अरे ये फिर से गई, बहुत जल्दी है। चलो ओरा एटा के नहीं भाड़ा खराच। सो गाइस मैंने जो मंदिर दिखाया था बाबा मंदिर से, वो देखो मेरे पीछे बाबा मंदिर है। और मैंने याद एक दिखाया था मंदिर शिव जी का, वो रहा। तो मैंने ड्राइवर अंकल से बोला कि शिव जी के पास लेके चलो 5 मिनट के लिए, तो भैया मान चुके एंड हमें लेके आए। 2 मिनट का ही रास्ता है और यहाँ पे वाटरफॉल भी है। ये देखो वाटरफॉल, वो ऊपर बहुत बड़ा झरना है, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। वहाँ पे जाएंगे, जाके थोड़ा दर्शन करके आएंगे। एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, सांस फूल सकता है क्योंकि ये जो चढ़ाई है बहुत भयंकर चढ़ाई है। ज़्यादा हड़बड़ी में मत उठना, धीरे धीरे उठना और सांस ले लेके, नाक से सांस लेके उठना। आ चुके हैं हम मंदिर के पास। बहुत ही ताज़ा ताज़ा ठंडा हवा दे रहा है। ये देखो यहाँ से हम आए हैं, वो नीचे है, वहाँ से जाके यहाँ से चढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मंदिर है, अब जाएंगे। ये अब ये भाई जूता पहन के क्यों फोटो खींच रहा है पता नहीं, वो फॉल दिखाने जाऊँगा एक मिनट। देखो बाकी यहाँ से व्यू देखो, क्या व्यू है गाइज, क्या व्यू है। और पे इंडियन फ्लैग, यहाँ पे विशाल गाय माउंटेन सी। ये देखो गाइज मैं जो झरने के बारे में बोल रहा था, मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये है वो झरना जो वहाँ से आ रहा है पहाड़ से, समवेयर बिटवीन द पहाड़ की जेब से, वो वहाँ से आती है, वहाँ से बह के यहाँ से बह के वो नीचे पे आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो बर्फ जमा हुए हैं, इसका टेम्परेचर बहुत है, बहुत टेम्परेचर है। यहाँ पे शिवलिंग है एंड जो बड़ा वाला शिवलिंग है वो रहा। क्या फोटो है भाई, खतरनाक खतरनाक। ठीक है चलो नाथुला पास में मिलते हैं। गाइस फाइनली नाथुला पास हम पहुंच चुके हैं जो कि 14,000 फीट पे है। मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, यही है नाथुला पास। बहुत तेज और चिल्ड हवा चल रहा है यहाँ पे। वो वाला जो दिख रहा है ना, वो वाला रेड वाला बिल्डिंग, वो इंडिया का है। एंड वो वाला देखो वाइट बिल्डिंग जो है ऊपर, वो है चाइना का। और यहाँ पर भी जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो चाइना का बिल्डिंग है। वहाँ पे वो देखो चाइना का फ्लैग है, वो देखो चाइना का फ्लैग रेड वाला, वो चाइना का फ्लैग है। वो डेड ट्री पूरा चाइना का है, बस करके तो नहीं ऑटो के कल। ये फुल स्नो केप है, देखो पूरा स्नो है यार। ये वाला जो व्हाइट कलर का घर है, ये हमारा है मतलब इंडिया का। वो देखो ऊपर चाइना का फ्लैग है, मैं पर ऊपर का नहीं पता। वो देखो चाइना का फ्लैग, वो चाइना का फ्लैग है, वो घर सब चाइना है, वो बिल्डिंग सब चाइना का है। ये वाला बिल्डिंग भी चाइना का है, ये वाला बिल्डिंग, वो पहाड़ भी चाइना का है। और अभी हम उठेंगे यहाँ पे, सब लोग फोटो खींच सकते हैं। ये जो एरिया है, ये सब एरिया में फोटो खींच सकते हैं, लेकिन वो टॉप में जाके वहाँ पर फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि वो अगर हम दिखा देंगे तो वो कॉन्ट्रोवर्सियल इशू हो जाएगा। नीचे फोटोग्राफी कर सकते हो, नीचे कोई लिमिटेशंस नहीं है क्योंकि नीचे कुछ दिखेगा नहीं उस पार का, दैट्स व्हाई। अगर उस पार का कुछ दिखेगा आपके फोटोज में तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना। सो ठीक है चलो चलते हैं। यहाँ ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है, यहाँ से जाते हो यहाँ से लेके चलो ऊपर। और एक और चीज़, एकदम ध्यान से जाना, बहुत छोटा छोटा स्टेप्स रखना क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है।
अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ भी गया तो कोटपुर रखना अपने साथ और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखना। ज़्यादा पैनिक मत होना, नॉर्मली वॉक करना, कुछ नहीं होगा। ध्यान से स्लीप स्लीप मत होना। हमारे साथ ये आ जाए, उधर को बोल दीजिए। ये वाला एक चीज देखो, ये देखो एकदम सख्त बात, ये देखो ये एकदम जम चुका है, कांच की तरह जम चुका है, स्प्लिट हो रहा है जूता। यही है ऊपर तक जाने का रास्ता। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब स्किट, ये वाला रास्ता बहुत ही फिसलदार है, मतलब हर कोई गिर जा रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं भी दो तीन बार गिरा था, बट द थिंग इज ये बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे और भी थोड़ा ऊंचा फिर जाके ट्रेन रास्ता आएगा जहाँ पे इंडिया और चाइना का डिवीजन दिखेगा। वो प्लीज़ कोई और वीडियो में देख लेना, मैं उतना ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जाते जाते बहुत बार गिर चुका हूँ और कहीं पर चोट आ जाएगा तो इस टाइम में प्रॉब्लम होगा। देखो सब लोग कैसे जा रहे हैं, देखो सब लोग गिर जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला बर्फ देखो, ये बर्फ नॉर्मल बर्फ नहीं है, ये एकदम सख्त होके बहुत स्लिप हो चुका है, देखो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ये देखो सा फंसा दीजिए, ये जितना भी आपका ये हो मैं अभी भी आपसे बात करते करते फिसल गया। ये देखो पूरा पैर से बर्फ मार के बर्फ पैर फंसा सकते हो कुछ देर के लिए, तो ठीक है चलो नीचे जाते हैं, नीचे जाके बात करते हैं। यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज होता है, आप स्किप कर सकते हो या फिर खेल सकते हो, लेकिन ज्यादा हाइपर मत होना या फिर पैनिक मत करना, सांस फूलने का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। Guys, memorable experience. memorable experience. अरे ये फिर से गई। बहुत जल्दी आ गया, चलो। और ये टाइम यही भाड़ा खा रहा है। बाप रे। Hell of an experience. और वो दिन तो उठ गया लो। ये दिन तो उठ गया। वहाँ पर गए थे, वहाँ पर गाइस स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो मेरे जैकेट में, ये देखो जैकेट्स में पड़ रहा है, ये देखो सबके जैकेट में सब स्नो यहाँ पे जमा हो रहा है।
ये देखो मेरे जैकेट पे। फाइनली एक्चुअल स्नोफॉल हो रहा है, ये देखो एक्चुअल स्नोफॉल राइट। कहाँ जा? साथ में चल। ये वाला साइड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो मेरे चश्मे में भी आ गया, ये देखो स्नो। हेलो, कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से? अरे बिहार से। आप कहाँ से? कोलकाता। सब लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, मजे कर रहे हैं। चलो ये देखो मेरे शर्ट्स में, ये देखो जैकेट में, देखो खतरनाक। यस गाइस, क्या लेवल का स्नोफॉल हो रहा है। चलो चलो चलो, गाइस बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी नाथुला पास से हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स, अभी लंच वंच करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। इनकेस आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा चार्ज 60-70% था, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेरा चार्ज अचानक 8-6% हो गया। तो आई थिंक हाई ऑल्टीट्यूड में ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू बर्फ गिर रहा है, तो अभी यहाँ से चलते हैं। देखो एक बार बाहर देख लो, यहाँ पे पूरा धुंधला हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो गाड़ी में सब स्नो आके गिर रहा है, ये देखो भाई। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं होटल में, नाथुला पास से डायरेक्ट हम होटल आए थे। मैं सो रहा था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, तो मैं थोड़ी देर पहले उठा था, उठ के ऐसे ही बैठा था। तो अभी डिनर में आया मैं, यहाँ पे बुफे लगा है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो पास्ता है, यहाँ पे ये चिली चिकन टाइप कुछ बना हुआ है, ये वेज मंचूरियन, वेज मंचूरियन तो वेज मंचूरियन यहाँ पे है, और यहाँ पे फ्राइड राइस। तो ये पूरा बूफे सिस्टम है यहाँ पे, यहाँ से लेके खाना होगा। तो ठीक है चलो देखते हैं इसका खाना कैसा है, और फिर आपको रिव्यू भी देते हैं। और फिर हम कल सुबह निकलेंगे लाचुंग के लिए, और जहाँ पे लोकल साइट सीइंग होगा, जैसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल, बटरफ्लाई वाटरफॉल वगैरह वगैरह। तो कल का अपडेट भी इसी ब्लॉग में होगा। तो ठीक है चलिए खाते हैं। फ्राइड राइस बहुत ड्राई है, फ्राइड राइस और थोड़ा अगर मॉइस्ट होता तो अच्छा होता। आओ खाने और शेष, ओके पूरा शेष है। गाइस चिकन इज वेरी गुड, चिकन इज वेरी गुड, बॉडी मोर मारा जाएगा मुझे अच्छे। ठीक है चलिए इसको फिनिश करके मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं इसको फिनिश करके, जब लाचुंग के लिए निकलेंगे। चलिए